हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में एक प्राचीन पहाड़ी नगर स्थित है जिसे नगरकोट कहा जाता है। इस नगर में देवी दुर्गा के 51 सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ स्थित है जिसे बज्रेश्वरी सिद्धपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने इस स्थान पर एक मंदिर बनवाया, तब से ये मंदिर कई बार टूटा एवं कई बार बना। इस मंदिर में हजारों वर्षों से पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। हिंदुओं में मान्यता है कि देवी माता अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मुख्य मंदिर के सभा मंडप के समक्ष दीवार में लगा पत्थर का एक पैनल बरबस ही सबका ध्यान खींचता है। इस पैनल में एक मनुष्य के मुंह की प्रतिमा लगी हुई है जिसके ऊपर ध्यानु भगत लिखा हुआ है। मंदिर के दाहिने भाग में एक बरामदे में भी ध्यानु भगत की एक प्रतिमा बनी हुई है जिसमें मनुष्य के एक धड़ ने अपना सिर अपने हाथों में ले रखा है। इस प्रतिमा की भावभंगिमा से ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने अपना सिर स्वयं ही काट कर देवी माता को अर्पित किया। मंदिर में भ्रमण करते हुए स्त्री पुरुषों के कुछ छोटे समूह भी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनसे बात करने पर ज्ञात होता है कि ये ध्यानु भगत के वंशज हैं जो आज भी अपने पूर्वजों की याद में इस मंदिर की यात्रा करते हैं। ये लोग अपने कंधे पर मोर के पंखों का एक गुच्छा धारण करते हैं तथा इनके शरीर पर लोहे की एक जंजीर भी पड़ी होती है। लोहे की जंजीर इस बात की द्योतक है कि किसी समय उनके किसी पूर्वज को लोहे की जंजीरों से बांधकर इस मंदिर तक लाया गया था। ध्यानु भगत की कथा इस प्रकार से बताई जाती है। 16वीं शताब्दी में जब भारत पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। ब्रज प्रदेश में स्थित नंदौन गांव का निवासी ध्यानु अपने 1000 साथियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और बादशाह अकबर के दरबार में ले जाकर उन्हें प्रस्तुत किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों के साथ कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने ये सुनकर कहा, ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों द्वारा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं तथा उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योत जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोला, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है कि तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर सकती है, इस बात का विश्वास हमें कैसे होगा? यदि कोई चमत्कार दिखाओ तो हम भी माने। ध्यानु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा कि तुम्हें इम्तहान तो देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भगत ने अपनी मुक्ति का कोई उपाय न देखकर बादशाह से कहा कि वह देवी माँ के पास जाकर अपनी प्रार्थना करेगा कि घोड़े को जीवित कर दें। आप एक माह की अवधि तक मेरे घोड़े के सिर एवं धड़ को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली और उसे यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी। उसे जंजीरों में जकड़कर मंदिर तक ले जाया गया। मंदिर पहुंचकर ध्यानु भगत ने अपने साथियों सहित स्नान पूजन करके रात भर देवी का जागरण किया और प्रातःकाल आरती के समय ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना की कि माँ, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखो, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपना सिर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जब देवी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु ने अपनी तलवार से अपना शीश काट कर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सिर पुनः उसके धड़ से जुड़ गया
और वो जीवित हो गया। माता ने अपने भक्त से कहा कि तेरे घोड़े का सिर भी जुड़ गया है, तो कोई और वर मांग। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुका कर कहा कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। सारे सांसारी मनुष्य आपको शीश काट कर भेंट नहीं चढ़ा सकते। कृपा करके साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करें। तब देवी माता ने कहा कि अब से मैं केवल नारियल की भेंट एवं सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सेवकों ने अकबर को बताया कि ध्यानु का घोड़ा अचानक ही फिर से जीवित हो उठा है, किंतु अकबर को अब भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे माता ज्वाला देवी के मंदिर में निकल रही ज्योति पर लोहे के तवे रखवा दें। ऐसा ही किया गया, किंतु जब इस पर भी अग्नि नहीं बुझी तो अकबर ने पहाड़ों से निकल रहे एक झरने के पानी को एक नहर के माध्यम से मंदिर पर डलवाया। इस पर भी मंदिर की ज्योति नहीं बुझी। तब अकबर ने स्वयं ज्वाला देवी के मंदिर जाने का निर्णय लिया। वह सवा मन सोने का छत्र बनाकर देवी के लिए ले गया। जब अकबर ने यह छत्र देवी को अर्पित करना चाहा, तो वह अकबर के हाथों से गिरकर टूट गया तथा सोने की बजाय किसी और धातु का बन गया। यह धातु न तो पीतल थी, न सोना थी, न चांदी थी, न तांबा थी और न लोहा। यह पता नहीं लगाया जा सका कि छत्र के टुकड़े किस धातु में बदल गए। अकबर समझ गया कि देवी माँ ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी है, इसलिए वह चुपचाप लौट गया। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार में आज भी पड़ा हुआ है। ये घटना ज्वाला देवी के मंदिर की बताई जाती है, जो नगरकोट के मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है, किंतु ध्यानु भगत की प्रतिमाएं नगरकोट के मंदिर में लगी हुई हैं। कुछ स्थानों पर नगरकोट मंदिर और ज्वाला देवी के मंदिर को एक ही माना जाता है। अतः हो सकता है कि ध्यानु द्वारा देवी को शीश अर्पित करने की घटना नगरकोट वाले मंदिर में ही हुई। यह भी संभव है कि ये दोनों पौराणिक काल के मंदिर आरंभ से ही अलग रहे हों और ध्यानु भगत की घटना नगरकोट के मंदिर में घटित हुई हो और उसकी कथा के साथ अकबर के साथ ज्वाला देवी के मंदिर में हुई किसी घटना को जोड़ दिया गया हो। पिछले 500 सालों से ध्यानु भगत के वंशज अपने शरीर पर लोहे की जंजीरें बांधकर अपने कुनबे गोते के साथ इस मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे ध्यानु भगत की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। सच क्या है, यह तो काल के गाल में समा गया है, किंतु ध्यानु भगत आज भी मंदिर की प्रतिमाओं में।